नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक बार बात करेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में। और मैं बताना चाहती हूँ कि अपने आयुर्वेद में, जो कि बहुत ही पुराना सिस्टम है हमारे देश का, उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो वो आपके मुंह से लेकर और फिर पूरे गट में, मतलब इंटेस्टाइन्स एंड ऑल, पूरा उसी से रिलेटेड है और उसी से ये बीमारियाँ होती हैं। उसमें किसी कमी की वजह से या उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से ही सारी बीमारियाँ होती हैं। और उसमें एक बात ये भी है कि इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं हमारे पूरे गट में, माउथ से लेकर। हमारा माउथ भी जो हम ब्रश करते हैं, सोचते हैं साफ़ हो गया है, तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं और हमारे सिस्टम को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो सबसे पहली बात हमने ब्रश करने की करी, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अच्छे से अच्छा हम पेस्ट ढूंढते हैं, जिससे कि हमारे मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो सब हट जाएं और इससे शायद हम स्वस्थ रहेंगे और दांत भी हमारे साफ रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट जो हैं वो बाज़ार में, उसमें केमिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, और वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो मुंह की होती है उससे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, और इस तरह से हम लोग अनवांटेड केमिकल्स को अंदर अपने सिस्टम में जाने देते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। हमारे पुराने ज़माने में नीम का, नीम की जो ट्विग होती थी, छोटी सी जो उसकी लकड़ी होती है, उससे हम लोग मुंह साफ करते थे। तो नीम अभी भी, इट हैज़ बीन सेड दैट वो एक बहुत ही अच्छी एंटी इन्फेक्टिव है, एंटी बैक्टीरियल है, तो वो बहुत अच्छा था। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आज के ज़माने में। बेकिंग सोडा, अगर आप उससे रिंस कर लेते हैं अपना मुंह, तो भी आपके बहुत फ़ायदा करेगा और आपके प्लैक को बनने से रोकेगा। जो डेंटल प्लैक पीला पीला हो जाता है, उसको प्लैक बोलते हैं, वो बनने में कमी आएगी। और बाकी इतने सारे तरह तरह के केमिकल्स डालकर जो टूथपेस्ट आ रहे हैं, वो आप कृपया करके बंद कर दीजिए इस्तेमाल करना। हम लोग छोटे से ही कोलगेट वगैरह इस्तेमाल करते थे। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप खुद उसके पीछे पढ़ के देख सकते हैं कि उसमें क्या है, क्या क्या है उसमें और क्या क्या नुकसान करता है। अगर आप हर्बल की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो मैं एक ब्रांड का नाम लूँगी, वीको का एक पेस्ट आता है, उसमें पूरा हर्बल है। जितना भी है उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो आप पढ़िए, आप देखिए, उसमें सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ टू हैं उसके, आप नीम की ट्विग नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको। इस तरह से आप जो भी इस्तेमाल करिए, उसको ये देखिए कि उसमें केमिकल्स हैं, क्या हार्मफुल केमिकल्स हैं, क्या हार्मफुल चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक किसी को फॉलो करके और वो चीज़ इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा हम देखें तो, हमारे पिछली बार भी मैंने बात करी थी कि हमारे गट में, मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, कोलन है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, और वो कुछ उसमें हार्मफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। उनको वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी गट लाइनिंग जो है वो सिक्योर रहती है। जैसे इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, छोटे 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 इस फिंगर्स की तरह से विलाई होते हैं, और इनको क्रिप्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे इसको जो है वो इंटेस्टाइन को सुरक्षित रखते हैं और हमारे सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं। और अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है गट के अंदर की लाइनिंग, मतलब ये जो है, ये होता है जो ल्यूमन होता है इंटेस्टाइन का, और उसके पीछे जो है हमारे 65% ऑफ वाइट सेल्स होती हैं, क्योंकि वो गार्ड करने के लिए वो ट्रूप्स की तरह वहाँ पर खड़ी रहती हैं कि जैसे ही कोई अनवांटेड बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज़ आएगी, तो उसको हम रोक सकेंगे। तो ये जब सिस्टम ये लेन देन का डैमेज हो जाता है, हमारी विलाई डैमेज हो जाती हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा दर्द की दवा खाते हैं या कोई भी केमिकल आपके अंदर जाता है, तो वो विलाई जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। एक सेल की होती है वो लाइन, विलाई की जो एक ये विलाई अगर है, तो इसमें एक सिंगल सेल की ये लाइनिंग होती है, वो डैमेज हो जाती है। और
इस सिस्टम को डैमेज होने को हम लोग लीकी गट बोलते हैं। एक बार मैंने पहले भी मेंशन किया था, लीकी गट मतलब लीक करने लगता है, जो चीज़ वापस मतलब अंदर नहीं आना है ल्यूमेन से, ऐसे ये इंटेस्टीन है, इसके ल्यूमेन से अंदर ब्लड में नहीं आना है जिस चीज़ को, वो भी आने लगती है और वो इम्यून सिस्टम को बहुत परेशान कर देती है, क्योंकि हमारी वाइट सेल्स उन चीज़ों को पहचानती नहीं है कि अरे ये क्या आ रहा है अंदर, और वो जल्दी से रिएक्ट करती हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं सूजन, एक आम भाषा में। मैं ये वीडियो आम लोगों के लिए ही बना रही हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो शब्द हम यूज़ करें वो आपको समझ आए, कोशिश करती हूँ, मगर कुछ शब्द इंग्लिश के ही होते हैं तो वो मुझे बोलने पड़ते हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि वो अगर डैमेज हो जाती है और लीकी गट हो जाती है, लीकी मतलब लीक करना, तो वो अंदर जो वाइट सेल्स आपकी हैं इंटेस्टीन में, वो ट्रूप्स की तरह मतलब सोल्जर्स की तरह खड़े रहते हैं कि नहीं, हम किसी को अंदर आने नहीं देंगे। ये समझ लीजिए इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर वाली बात हो जाती है कि हम जो है पाकिस्तानीज को अंदर नहीं आने देंगे, तो उस तरीके से ये लाइन करती है। मगर जब ये डैमेज हो जाता है सिस्टम, तो ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं ये अंदर आने लगती हैं, और जब अंदर आती हैं तो वाइट सेल्स जो हैं वो सोचती हैं कि ये कहाँ से आ गया, और फिर वो जैसे युद्ध करना स्टार्ट कर देती हैं, और युद्ध करने में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम युद्ध बोल रहे हैं, वो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, डैमेजिंग और ज़्यादा होती है। तो जैसे कि अब की बार कोरोना वायरस जब आया, तो हम लोगों ने देखा कि एक चीज़ ये बोली गई इसमें कि जो डेथ्स हो रही हैं वो एक साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो रही हैं। साइटोकाइन इसमें टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स वही वाइट सेल की एक टाइप है, जो कि बहुत ज़ोर से रिएक्ट करती हैं और एक स्टॉर्म आ जाता है उनका, जिसकी वजह से जो है पूरी बॉडी में डैमेजेस होने लगते हैं और पेशेंट फिर आईसीयू में, और फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ प्रिवेंट करने के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले हमारे आयुर्वेद में ये बोला गया था कि हमारा माउथ और गट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये डिजीज़ जो होती है वो इन्हीं की वजह से होती है, इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में हम इसी पे मतलब प्रहार करते जा रहे हैं अपने खाने की वजह से। और एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बोला है कि आप इस टंग की वजह से मत खाइए, आप अपने पूरे गट के और अपने पूरी बॉडी के हिसाब से खाइए, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। टंग का मतलब है उनका स्वाद, स्वाद जो अच्छा लगता है वो बहुत बार फ़ायदा नहीं करता है, नुकसान करता है, जैसे कि करेला है वो फ़ायदा करता है मगर कड़वा होता है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से माँ की बातें कड़वी लगती हैं मगर वो आगे चल के फ़ायदा देती हैं। और आप जब उम्र के हो जाते हो ज़्यादा, तो आपको याद आता है कि नहीं, पेरेंट्स ऐसे कहते थे, वो बिल्कुल सही कहते थे और उनके रीजंस थे। तो इस तरीके से अगर आप एक छोटी सी एक ये चीज़ शुरू कर दें, और सबसे बड़ी जो डैमेजिंग चीज़ है हमारे गट को, जो डैमेज करती है हमारे टीथ के इनामल को, दांत के ऊपर एक कोटिंग होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत टफ होती है, टफेस्ट होती है, तो उसको जो है डैमेज करने के लिए, और बाकी हमारे इंटेस्टीन की लाइनिंग को डैमेज कर लिए, शुगर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। आई मीन शुगर ही इन सबको डैमेज कर रही है। तो ये चीज़ अगर आप समझ लें, अगर किसी को आज की तारीख में शुगर की चीज़ें और शुगर मना करते हैं, तो कहते हैं मुझे डायबिटीज़ नहीं है डॉक्टर साहब, बट दे डोंट रियलाइज़ कि एक्चुअली शुगर क्या क्या डैमेज कर रही है। तो अब डिटेल्स तो नहीं बताई जा सकती हैं इतनी देर में कि क्या क्या डैमेज और कैसे डैमेज होता है। आपके लिए ये सिंपल सी बात है कि आप शुगर को त्याग दो। शुगर का मतलब है कोई भी मीठी चीज़, उसमें गुड़ भी आता है, और फिलहाल जो ओबीज लोग हैं और जिनको वेट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए शहद भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पहली चीज़ आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं वो है शुगर को छोड़ना। शुगर इन द फॉर्म ऑफ एनी थिंग, मतलब गुड़ और ये शुगर जो होती है वाइट शुगर, इवन ब्राउन शुगर इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं है कि ब्राउन शुगर जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है और हम उसको खाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वाइट एंड ब्राउन इज सेम, जो आपको डैमेज दोनों ही करती हैं सेम तरीके से।
तो आप कृपया शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये एकदम से नहीं होता है, ये आप धीरे धीरे करिए। जैसे जैसे आप जो भी चीज़ में शुगर लेते हैं, चाहे वो चाय हो, जैसे कि रोज़ हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसमें शुगर की मात्रा धीरे धीरे कम करते करते आप डिलीबरेटली और कॉन्शियसली इसको करिए कि आज मैंने इतना लिया है, मैं धीरे धीरे एक दिन बाद इतना कर दूंगी, चार दिन बाद इतना, और धीरे धीरे आपको देखिए आपको टेस्ट आने लगेगा। लेकिन फिर भी कई लोगों को बिना शुगर की चाय पसंद नहीं है, जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं पसंद है, तो लेकिन उसके बदले में आप शुगर फ्री कोई भी यूज़ कर ले, ऐसा मत करिए। आप शुगर फ्री के फॉर्म में जैसे जो भी आती हैं चीज़ें, सुक्रालोज है, एस्पार्टेम है, ये सब बहुत डैमेजिंग है बॉडी के लिए, और स्पेशली गट के लिए, मतलब हमारी आंतों के लिए बहुत डैमेजिंग है, और एस्पार्टेम तो कैंसरस भी बताया जाता है, तो ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, स्टेविया आप ले सकते हैं। स्टेविया इज़ अ स्वीट लीफ, जो जिससे कि शुगर फ्री सोल्यूशन भी बनाया जाता है, एंड वो पाउडर के फॉर्म में भी है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है। लेकिन आप बाकी सब जितने भी शुगर फ्री हैं वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। न्यूरोटॉक्सिन्स भी होते हैं ऐसा कहा जाता है, ये सारी चीज़ें माइग्रेन्स को बढ़ा देते हैं, एस्पार्टेम स्पेशली, तो आप ये ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपके मुंह के बॉडी के अंदर जा रहा है, वो ही डिसाइड करता है आपकी स्किन की ब्यूटी को और आपके मन की ब्यूटी को। क्योंकि आपका मन जब तक शांत नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और आज की तारीख में सब यंगस्टर्स तो जो कि सुन रहे हैं, अगर आप अच्छे से, अच्छे मन से, खुशी मन से काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया आपको उसमें मदद करेंगे, जिसको उन्हें आपको बचाना है, तो उनको जो है सेव करने के लिए आप खाना सही खाइए। शुगर को ओमिट कर दीजिए बिल्कुल अपने खाने की चीज़ों में से, ओमिट मतलब हटा दीजिए अपने ग्रॉसरी शॉपिंग में से। और एक तरीका और मैं बताऊं कि कैसे आप कम कर सकते हैं सब चीज़ें खाना, जैसे बिस्किट है नुकसान करती है, इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अल्टीमेटली बहुत जल्दी शुगर बना देते हैं अपने शरीर के अंदर जाके, तो ये सारे ही चीज़ें डैमेजिंग होती हैं। तो जितनी भी आपको बिस्किट है और नमकीन है आटे की, और ये जो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिस्किट्स हैं जिसमें बोलते हैं शुगर फ्री, लेकिन शुगर फ्री के फॉर्म में क्या उसमें पड़ा हुआ है ये पहले आप पता करिए, और उसके बाद बंसीना वाइल आप खा सकते हैं वो बिस्किट। लेकिन अभी जैसे अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो इन सबको क्विट कर दीजिए, मतलब बिल्कुल भी ना लें, और स्वस्थ रहें, खाना सही खाएं, अपने फ्रेंडली बैक्टीरिया को अपने पास रखें, क्योंकि वो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो एक तरह से हमारे शरीर में टेनेंट के रूप में हैं, किराएदार के रूप में, और अगर आप उनको सही अपना आप सपोर्ट करेंगे, उनको उनको फीड करेंगे प्रॉपर चीज़ें, तो वो भी सोचेंगे कि नहीं हमें डैमेज नहीं करना है अपनी बिल्डिंग को, हमें अच्छे से रहना है। तो इस तरह से ये एक समझाने का तरीका है कि आप कैसे अपने फ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए अच्छा काम करेंगे, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और लॉन्जेविटी में मदद करेंगे, मतलब ज़्यादा साल जीने के लिए, प्रॉपरली हेल्दी होकर जीने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो ये आज थोड़ी सी बैक्टीरिया के बारे में बात थी। और एक जो वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो US के हैं वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उस दिन, मुझे भी लगा कि मैं एक मतलब मेडिकल डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ें बहुत मानती हूँ। पहला कारण तो ये है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा बहुत वेल नोन वैद्य थे, और उन्होंने मेरी, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल की, उसको उन्होंने ट्रीट किया था आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, उसके सारे विटिलिगो के जितने भी स्पॉट्स थे और पूरे बॉडी में उसको हो गए थे, तो उन्होंने ठीक कर दिया था। तो समाओ इतनी कम उम्र में मैं उनकी बुक्स पढ़ा करती थी, तो वो मेरा बिलीफ सिस्टम वहाँ से शुरू हुआ कि मैं आयुर्वेद को बहुत मानती हूँ, और उसके बारे में मैं बहुत छोटे से ही मैं पढ़ा करती थी बुक्स, ऐसे ही खाली टाइम में पढ़ती रहती थी, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था। और अब तो डॉक्टर रेड्डी जो हैं वो
वो बताते हैं, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और वो बताते हैं कि आयुर्वेद जो है सबसे पुराना और सबसे बेसिक सिस्टम है ट्रीटमेंट का, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सही दिशा में जा रही हूँ, और मैं अपने पेशेंट्स को खाने का तरीका, खाना क्या खाना है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप्स, जो ये बॉडी टाइप जो है ये वर्ड बिलोंग्स टू आयुर्वेदा, उसमें ही बॉडी टाइप होता है, उसको देखकर जब उनके खाना के हिसाब से मैं बताती हूँ, उनका डाइट चेंज करती हूँ, तो उनको बहुत बेनिफिट है। अ नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव स्टॉप टेकिंग देयर ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट, एंटी डायबिटिक्स, और वेट लूज तो हुआ ही है उनका। तो इसलिए मैं ये सब शेयर कर रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स से जब आप बात करते हैं हम, तो हमें मालूम चलता है उनको बेसिक्स ही नहीं मालूम है, वो बस दवा लेते हैं, ओवर द काउंटर ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाकर ले लेते हैं बिना किसी सलाह के ये। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे खुद का ट्रीटमेंट का तरीका है, जो कि हार्मफुल नहीं है किसी भी तरीके से, और किसी समय में अगले किसी टाइम पर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से मेरे फादर इन लॉ भी डायबिटिक थे फॉर द लास्ट आई थिंक 32 ईयर्स से, और जैसे जैसे मैंने देखा कि ये डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, और इसमें धीरे धीरे दवाएं बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली इंसुलिन, और फिर उसके बाद डैमेज होता है बहुत कुछ बॉडी में, और परेशान रहते हैं पेशेंट। तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा क्या है, मतलब मेडिकल में क्या ऐसा कुछ नहीं है कि पता चल सके कि क्या रीज़न है, क्यों इनकी दवाएं बढ़ती जा रही हैं। और ग्रेजुअली हमने जो है डैडी की डाइट चेंज करी है, और उसके बाद से मेरे ख्याल से 3 to 4 years, 4 to 5 years हो गए हैं, और उनकी डायबिटीज़ की दवा भी बंद है, और 1 साल तक वो पार्किंसनिज्म एक डिजीज़ होती है जो जो उनकी ठीक हो गई है सिर्फ डाइट चेंज करने से, और वो जैसे पहले थे वैसे ही हो गए हैं, मतलब डायबिटीज़ तो उनको थी लेकिन उनको डायबिटीज़ की दवा नहीं लेनी पड़ती है, उनकी शुगर कंट्रोल रहती है, और दूसरी चीज़ जो पार्किंसनिज्म वगैरह से जो प्रॉब्लम हो रही थी उनकी दवाओं को खाने से, तो बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने दिखाया, लेकिन एक एक्सपर्ट बोलता कि ये दवा उनको फ़ायदा करेगी, और फिर जब वो शुरू करते तो उनको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती, और इस तरह से दूसरे को दिखाता तो वो बंद करते और वो दूसरी शुरू कर देते, लेकिन वी न्यू समवेयर डाउन द लाइन कि और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तब फिर आई पुश्ड माई सेल्फ इन टू दिस कि देखें क्या कर सकते हैं, और मैंने जब पढ़ाई करी और पता किया कि तो उस हिसाब से जब मैंने चेंज किया उनकी डाइट, तो वो अभी ही इज़ हेल एंड हार्टी, टच वुड, वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और भगवान उनको लंबी उम्र दे। और इस तरीके से हम फिर कभी बात करेंगे कि किस तरीके से क्या किसके लिए डाइट क्या है ज़रूरी, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि आपको शुगर बंद करना पड़ेगा, वहाँ से शुरुआत होती है आपकी हेल्दी लाइफ की। और जैसे कि अभी देखा है कि कोरोना में भी जो जिन लोग नहीं सरवाइव कर पाए हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रस्त थे, मतलब डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे, और उनको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो ये है कि शुगर बहुत डैमेजिंग है बॉडी के लिए, और कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस ही है। तो कहते हैं कि मास्क लगाने से क्या होगा, या उस समय क्या हुआ जब इतना ज़्यादा कहा गया कि आप मास्क लगाइए, सब लोग मास्क लगाइए, वो मान लीजिए कि वो नहीं भी फ़ायदा करता है मास्क, उससे कुछ हुआ नहीं, बहुत सारे लोगों को हो गया वायरस, वायरल इन्फेक्शन ये कोविड का, तो अगर मान लीजिए 5% लोग भी अगर इससे बच गए हैं मास्क से, तो क्या तकलीफ़ है, फिर तो हम लोगों को करना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि वो एक फ्लू वायरस ही है, और फ्लू तो आए दिन हम लोगों को जुकाम होता रहता है, सभी को होता है जुकाम, और आप देखते होंगे एक को होता है तो घर भर को होता है, वायरल हो गया भाई, घर भर को हो गया, तो वो इसीलिए